देख रहे हो हमारा ऑयल बिल्कुल तैयार हो चुका है और ये ठंडा भी हो चुका है। सो मैंने इसे एक बाउल में निकाल लिया है। अब मैं इसकी आपको बेनिफिट बताती हूँ फ्रेंड्स। सरसों का तेल बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है खासतौर पे विंटर में बेबीज़ के लिए यूज़ करने के लिए, क्योंकि विंटर्स में बेबी को मोस्टली सर्दी कोल्ड एंड कफ का बहुत ज़्यादा कंप्लेन होता है, जिसकी वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा इरीटेट हो जाते हैं। ना वो कुछ खाते हैं, ना प्रॉपरली सोते हैं, ना प्रॉपरली ब्रेथ ले पाते हैं, ना उन्हें अच्छे से स्लिप लगती है, वो स्लिपलेस हो जाते हैं, बिल्कुल बहुत ज़्यादा इरीटेट हो जाते हैं। तो इस टाइम में अगर आप होम रेमेडी करके कुछ यूज़ करना चाहते हो तो आप सरसों का मसाज ऑयल ज़रूर यूज़ कीजिए, क्योंकि इससे बच्चों को बहुत ज़्यादा रिलीफ होता है। ट्रस्ट मी, क्योंकि मैं अपने बेबी के लिए ये घर पे हमेशा बनाती हूँ, विंटर में बेबी के लिए अप्लाई करती हूँ, तो मैंने इसके रिजल्ट्स देखे हैं। इसलिए मैं सभी मम्मीज़ को कहना चाहूँगी कि ये मसाज ऑयल बिल्कुल आप बनाइए और विंटर में अपने बेबी के लिए ज़रूर ट्राई कीजिए। इससे आपके बेबी को होने वाली सर्दी, खांसी, ज़ुकाम और जो भी कोल्ड से रिलेटेड कफ वगैरह है, उसे बेबी को काफ़ी रिलीफ मिलेगा। अब मैं इसका आपको लगाने का तरीका बताती हूँ। जब भी आपके बेबी को आपको सुलाना हो, या उसका खाना हो चुका है, डिनर फिनिश हो चुका है, या उसका फीडिंग हो चुका है, तब आपके बेबी को आपको सुलाना हो, उसका बेड टाइम है, तो उस टाइम आप इससे बेबी का मसाज कर लीजिए। खास तौर पे ये अच्छी तरह बेबी के चेस्ट पे लगा लीजिए, बेबी के बैक पे लगा लीजिए, इसी की तरह सोल ऑफ फीट जो रहते हैं बेबी के फीट्स में, नीचे से आप पूरी अच्छी तरह लगा लीजिए और उसे सॉक्स पहना दीजिए पैरों में। इसी के साथ जब आप ये लगा लेते हो बेबी को, आप उसके सर में भी थोड़ा सा तेल डाल के मसाज कर सकते हो और उसके चेस्ट पे आप अच्छे से अप्लाई कीजिए, और बाद में बेबी को अच्छे से ब्लैंकेट से कवर कर लीजिए और बेबी को सुला दीजिए। और उसे अच्छे से कवर इसलिए कीजिए ताकि उसका एयर से ज़्यादा कांटेक्ट ना आए, क्योंकि सरसों का तेल बहुत गर्म होता है, तो जितनी गर्मी फॉर्म होंगी उतना बेबी को रिलीफ फील होगा, बेबी को सांस लेने में सांस ईजिली वो ले पाएंगा, उसका इरीटेशन कम होगा। सो आप बेड टाइम अपने बेबी को इससे मसाज कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो और बेबी के लिए यूज़ कर सकते हो। सो तो मैं सब मम्मी को यही कहना चाहूँगी कि मोस्टली विंटर में सबसे ज़्यादा बच्चों का कॉमन प्रॉब्लम सर्दी खांसी ही होता है, कोल्ड एंड कफ से बच्चे बहुत इरिटेट होते हैं, तो आप इस मसाज ऑयल को ज़रूर ट्राई कीजिए। और इसी के साथ मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि बहुत सारे बच्चों की बेबीज़ टू बेबीज स्किन बेबीज़ की डिफरेंट होती है, सो कोई भी ऑयल, ये मसाज ऑयल या कोई भी ऑयल ट्राई करने से पहले बेबी के डायरेक्टली पूरे बॉडी पे अप्लाई मत कीजिए। बेबी के हाथ या पैर पे थोड़ा सा ऑयल लगा के देखिए कि बेबी को सूट होता है कि नहीं। अगर आपको बेबी पे कुछ उसका इरिटेशन लगता है, उसकी स्किन रेडनेस लगती है, कुछ इचिंग उसको फॉर्म होती है, तो आप वो ऑयल को डिसकंटिन्यू कीजिए। सो मैं इस ऑयल के लिए भी ये कहना चाहूँगी, क्योंकि सरसों का तेल है, सरसों का मसाज ऑयल है, तो सरसों गर्म होता है, तो पहले आप बेबी के कोई पार्ट पे लगा के देखे कि आपके बेबी को सूट होता है या नहीं, उसके बाद कंटिन्यू कीजिए। और अपने बेबी के लिए मसाज ऑयल जरूर जरूर ट्राई कीजिए, आपके बेबी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा।
और इसी के साथ अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए ताकि दूसरे मम्मी भी ये होम रेमेडी ऑयल अपने बेबी के लिए प्रिपेयर कर सके और उनके बेबी के लिए भी यूज़फुल और हेल्पफुल रहे। इसी के साथ अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दुआओं में याद रखिए। बाय बाय।